नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी विवादों में फंस गई है। अभी दो रोज पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था और साथ में ये भी कहा था कि इसका परीक्षण उन्होंने अपनी बेटी पर भी कराया है, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अब चौंका देने वाली खबर ये आ रही है कि वहाँ के एक्सपर्ट और वरिष्ठ स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर अलेक्जेंडर चुचेलिन ने रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की एथिक्स काउंसिल से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का पंजीकरण न रोक पाने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर वैक्सीन की सुरक्षा और असर पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि वैक्सीन बनाने वाली संस्था गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक व रूसी सेना में वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट कर्नल प्रोफेसर सर्जी बोरिसेविक पर भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका मानना है कि जो भी इससे जुड़े रहे दो तीन लोग, इन्होंने एकेडमिक्स और मानकों को दरकिनार कर दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने की घोषणा की पृष्ठभूमि तैयार की। प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने ही रूस में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोलॉजी को खड़ा किया है, इसलिए उनकी वहाँ पे काफ़ी प्रतिष्ठा है और उनकी इस्तीफा के अपने मायने भी हैं। प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने दोनों वैज्ञानिकों पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा है कि क्या आप लोगों ने सभी मानक को पूरा किया है जो रूस के संवैधानिक कानून में है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने तैयार किया है। उन्होंने ये भी पूछा है कि किसी मानक का पालन नहीं हुआ जिससे ये कहा जा सके कि टीका हानिकारक नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि वैक्सीन को लेकर के गैर जिम्मेदाराना बयानों से मैं आहत हूँ। आपको बता दूं कि जिस दिन पुतिन ने इसका ऐलान किया उसी दिन से दुनिया सवाल उठा रही है, खासतौर से अमेरिका और पश्चिमी देश, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। WHO ने भी सवाल उठाया और ये कहा गया कि रूस ने जो ह्यूमन ट्रायल किया उसमें पहला चरण जो होता है, पहला स्टेज, उसमें बहुत कम लोगों पर टेस्ट किया जाता है। दूसरा जो उसने परीक्षण किया उसका रिजल्ट नहीं बताया और तीसरा परीक्षण तो हुआ ही नहीं जो मास स्केल पर होता है। और कोई भी ऐसी वैक्सीन जब लाई जाती है तो वो पूरी दुनिया के लिए होती है, लिहाजा अलग अलग देशों में उसका तीसरा चरण का परीक्षण होता है ताकि उसके प्रभाव को जाना जा सके। और रूस ने इस तीसरे चरण में जो औपचारिकताएं होती है उसको पूरा किए बिना ही ऐलान कर दिया कि वो अक्टूबर में इसे मार्केट में उतार रहा है। तो इसको लेकर के उसी दिन से शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था और अब वहाँ के वैज्ञानिक के इस्तीफे की खबर आई है। इससे साबित हो रहा है कि स्पुतनिक वी जो है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। देखते हैं आगे अभी कौन सा ये डिस्प्यूट जो है टर्न लेता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...